अनुशिका अंसल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाई हूँ। टॉपिक का नेम है वाटर साइकिल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वाटर साइकिल क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे अक्सर इस वाटर साइकिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आज मैं उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फिर से इस वीडियो के साथ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल में वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर लैंड से स्काई में जाता है एंड वापस लैंड पर आता है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर स्काई में कैसे जाता है एंड वापस लैंड पर कैसे आता है। फ्रेंड्स, वाटर साइकिल जो होती है उसमें हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी धीरे धीरे और आपको वो टॉपिक क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एवोपोरेशन एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन, थर्ड प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट इज कलेक्शन। फ्रेंड्स, एवोपोरेशन में क्या होता है? एवोपोरेशन में जब आपकी मम्मा खाना बनाती हैं और जब वो खाना गर्म करती हैं, पानी गर्म करती हैं, सब्जी गर्म करती हैं, तो उसमें से क्या निकलती है? भाप निकलती है, वेपर निकलती है। और जब वो निकलती है तो वो कहाँ चली जाती है? इस ऊपर चली जाती है वाटर की फॉर्म में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, ये है वाटर, हॉट वाटर। इसमें से क्या निकल रही है? वेपर, स्टीम निकल रही है, जो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। अगर हम इसके ऊपर ये प्लेट ढक देंगे तो ये जो भाप है ये किस पे चिपक जाएगी? प्लेट पर आ जाएगा और ये प्लेट पर वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। अब जब हम इसको फिर से ढक देंगे तो फिर ये इसमें वापस जाके मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। अब मैं आपको इसका सेकेंड एग्जाम्पल बताती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है? जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सब जो होती हैं, इन पे सन रेज पड़ती है। आपको पता है सन कितना हॉट होता है, कितना गर्म होता है, और जब वो सन रेज पड़ती हैं उन वाटर बॉडीज़ पर, तो उनका जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो ऐसे ही वेपर बन के ऊपर स्काई में चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। अब सेकेंड स्टेप है हमारा कंडेंसेशन। फ्रेंड्स, कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो स्टीम भाप बनकर ऊपर स्काई में जाती है वाटर की फॉर्म में, तो उससे क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में नीचे आता है? रेन, वाटर की फॉर्म में वो फिर से नीचे लैंड पर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब थर्ड स्टेप है हमारा प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी मतलब जो वाटर स्काई से नीचे लैंड पर आता है वो किस किस की फॉर्म में आता है? जब बर्फ़ पड़ती है बहुत तेज़, कितनी ठंड हो जाती है, और जब ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, और पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, इन सब की फॉर्म में जब वाटर लैंड पर आता है तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है? जितने भी फॉर्म में वाटर लैंड पर आता है और वो जिस चीज़ में भी जाके कलेक्ट हो जाता है, वो किस में जाके कलेक्ट होता है? हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब वाटर बॉडीज में जाके वो कलेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही होता है हमारा वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? एवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड लास्ट इज कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने कितने इजी तरीके से इस वाटर साइकिल के टॉपिक को समझ लिया है। वाटर साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वाटर लैंड से स्काई में जाता है एंड स्काई से लैंड पर आता है और वो नीचे जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें जाके कलेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखी कितने इजी तरीके से वाटर साइकिल के प्रोसेस को समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।